हाय एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। देख सकते हो मेरे पास ये 4440 का एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया है, जो कि यहाँ पर ओके कंडीशन में है, बट इसके एक चैनल में कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है। कस्टमर का कहना है कि आप चेक करके देखिएगा, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके तो दोनों भी चैनल में वैसे आवाज़ नहीं थी, उन्होंने यहाँ से इसका जो वॉल्यूम था हमारे कार्ड से कम करके रखा था, लेकिन मैंने इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर इंक्रीज़ करने के बाद में देखा तो मुझे थोड़ा लेफ़्ट साइड की जो आईसी है इसकी, उससे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और किस तरीके से इसे रिपेयर करना है तो वो भी चेक करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की आने वाली हर प्रॉब्लम वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सके। और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो चलिए, इन पेचों को मैंने यहाँ पर खोल लिया है। तो देखिए, इन पेचों को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से रख देता हूँ कहीं पर भी। चलिए खोल लिया है। देखिए, इसके अंदर LA4440 का यहाँ पर एक MPS बोर्ड लगा हुआ है, जिसके साथ मास्टर बोर्ड आती है, और ये 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर ये फैन है और कुछ भी नहीं, ये एम्पलीफायर मैंने ही बना कर दिया था, हैंडमेड एम्पलीफायर है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप हो सके तो देख सकते हो जाकर किस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर बनाया है। तो अब मैं इसको चेक करके बता देता हूँ आपको इसमें क्या प्रॉब्लम बन रही है और इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका जो यहाँ पर इसे ऑन कर लेता हूँ मैं। तो इसका जो यहाँ पर पावर कॉर्ड है, उस पावर कॉर्ड को मैं लगा देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पर इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसे ऑन करूँगा। देखिए, ये ऑन हो चुका है। हाँ, ऑन हो चुका है। इसके अंदर ये मेमोरी कार्ड है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ। इसके वोल्टेज वगैरह बिल्कुल यहाँ पर ओके है, तभी हमारा ब्लूटूथ पैनल यहाँ पर चल चुका है। तो देखिए, मैंने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर लगा दिया है, और ये देखिए हमें प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिलती है, जो कि 12 प्लस वोल्टेज है। वो कैपेसिटर के कारण बता रहा है। यहाँ पर 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है मैंने। तो चलिए, अब इसका जो चैनल है वो चैनल यहाँ पर आपको मैं चेक करके बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम किस तरीके से बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने वोल्टेज चेक कर लेना है, क्या इसमें 12 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर मिल रहे हैं। कार्ड तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल चल रहा है। अब हमने चेक करना है आईसी के ऊपर जो वोल्टेज बनते हैं, वो वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक स्पीकर से हमारी यहाँ पर अच्छी खासी आवाज़ जैसे कि हमें देखने के लिए मिलती है वैसे यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो इसका लेफ्ट साइड वाला जो होता है, यहाँ पर हमें आवाज़ देखने के लिए बहुत ही कम मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम फुल कर लिया है, फिर भी यहाँ पर कोई भी हमें देखिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आवाज़ को फुल कर दिया, फिर भी हमारे स्पीकर में यहाँ पर कोई भी आवाज़ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज़ आ रही है। तो इस कंडीशन में हम आईसी की ओर देखते हैं, हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है उसकी ओर देखते हैं, और हमारे बास्टरबल के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग फॉल्ट है, सेम फॉल्ट है लेकिन थोड़ा अलग फॉल्ट है। इसका जो फॉल्ट है थोड़ा अलग होने वाला है, तो बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो हमने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर लगा लिया है, और यहाँ मैंने ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ देखिए हमें 12 वोल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और सेम नेक्स्ट चैनल पर 12 वोल्ट देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट आईसी से। तो चलिए, मल्टीमीटर को मैं बाजू में रख देता हूँ। अब हमने इसमें देखना है, इसमें प्रॉब्लम ऐसी बन रही है कि जो हमारा ब्लूटूथ पैनल है उसमें हमें आउटपुट तो मिल रही है, लेकिन उसकी जो एक चैनल की आउटपुट है उस चैनल से हमें आउटपुट नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमारे एक चैनल में आवाज़ नहीं आ रही है और एक चैनल में आवाज़ आ रही है। तो चलिए, बने रहिए, क्योंकि ये जो बोर्ड है फ्रेंड्स, ये बोर्ड मैंने इसमें न्यू डलवा के दिया है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी पुराना सामान यहाँ पर नहीं है, जितना भी सामान है इसमें नया है। सिर्फ ये कैपेसिटर मैंने एक बार मेरे पास रिपेयर के लिए आया था, तो ये दो ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर मैंने इसमें रिप्लेस करे थे। अभी इसमें कोई भी यहाँ पर बेकार सामान नहीं है, आईसी भी हमारी ओके है, कैपेसिटर वोल्टेज सभी यहाँ पर ओके है। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर बन रहा है तो इस वाले हमारा जो BT पैनल होता है
इस बीटी पैनल से हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम बन रही है। आप कहोगे बीटी पैनल तो यहाँ पर बिल्कुल ओके कंडीशन में रन कर रहा है, तो बीटी पैनल से प्रॉब्लम कैसी क्या? देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जब भी हमारे इस बीटी पैनल से हमें यहाँ पर ऑडियो आउट मिलती है क्योंकि हमारे एम्पलीफायर को रन कराने के लिए निकलती है, तो यहाँ से लेफ्ट राइट और ग्राउंड हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो एक चैनल का आवाज़ जो यहाँ से निकल रही है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, जिसके कारण वो यहाँ पर आईसी को कम आउटपुट दे रहा है, जिसके कारण आईसी हमें एम्पलीफायर करके स्पीकर में कम आउटपुट दे रही है। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने क्या करना है, इसका जो यहाँ पर शोल्डिंग हमने हटा देनी है सीधी सीधी, और यहाँ पर डायरेक्ट करके देखना है। तो चलिए आपको मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, आपने क्या करना है, ये शोल्डिंग हटा देनी है और डायरेक्ट करके देखना है। देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डिंग हटा दी है। अब इस शोल्डिंग को हमने इस शोल्डिंग को यहाँ पर कनेक्ट करके देखना है, जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले चैनल के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ब्लूटूथ से जो हमारी आउटपुट की वायर आती है उसको जैसे ही मैं दूसरे चैनल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें आवाज़ आ जाती है, और यहाँ पर आईसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ का पैनल है उससे जो हमारी लेफ्ट राइट आउटपुट आती है वह एक साइड का जो यहाँ पर आवाज़ है वो बहुत ही धीमा हो चुका है, जिसके कारण हमारे एक चैनल में यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है और दूसरे चैनल में आ रही है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पर जो हमारी एक चैनल से आवाज़ आ रही है उसी चैनल को उठाकर दोनों चैनल पर यहाँ पर दे देना है, तो हमारे दोनों चैनल में आवाज़ आएंगी। इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो स्टीरियो बोर्ड है वो मोनो कंडीशन में यहाँ पर रन करेगा, तो हमें यहाँ पर स्टीरियो चलाने के लिए यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल हमें न्यू वाला लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे मोनो करके ही चलाऊँगा और दोनों चैनल में आवाज़ लूँगा। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ। देखिए हो गया, देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया, ₹0 में हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से अगर पैनल बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, ना बदलना चाहते हो तो इस तरीके से मोनो पर भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जो हमारे न्यू भाई है जो कि एम्पलीफायर से या कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हो, उनको मैं कहना चाहूँगा अगर इस तरीके की कोई भी साउंड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलती है तो सबसे पहले आपने ब्लूटूथ पैनल को चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है। आईसी तो ऊपर ही दिख जाती है, अगर आईसी बहुत हद से ज़्यादा हीट होती है तो आपको समझ में आएगा कि आईसी यहाँ पर बेकार हो चुकी है। जो भी आईसी बेकार हो चुकी है यहाँ पर वो आपने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, और अगर आईसी ओके भी है इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो ये जो ट्रांजिस्टर है इन ट्रांजिस्टर के बेकार हो जाने के कारण भी यहाँ पर एक चैनल में आवाज़ नहीं आती है। कभी कभी दोनों यहाँ पर ट्रांजिस्टर बेकार हो जाती है तो दोनों चैनल में आवाज़ नहीं आती है, उस कंडीशन में आपकी आईसी यहाँ पर कूल रहेंगी, आईसी यहाँ पर उस टाइम में आपकी आईसी यहाँ पर हीट नहीं होगी। आपकी आईसी जब हीट करेगी तभी आपने यहाँ पर आईसी को रिप्लेस चेंज करना है, वरना आपको इसके पहले ही देखना पड़ेगा इन ट्रांजिस्टरों में बीटी से जो आउटपुट निकल रही है उनको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी इसी तरह का टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पे लाइक करना ना भूले, और वीडियो कैसा लगा आपको प्यारा सा कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले दोस्तों।